श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन आ गया है और प्रत्येक मंगलवार को करने वाले हम लोग चार महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस उपाय को आपको सुबह के टाइम नहीं करना है। कब करोगे? शाम के टाइम पर प्रदोष काल में करना होगा, ठीक है ना। तो मंगलवार के दिन करने वाले हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे जो कि होगी आपकी मनोकामनाओं के लिए, दूसरा होगा आपकी इच्छा के लिए यानी कि आपके कष्टों को दूर करने के लिए, तीसरे उपाय की बात करेंगे जो कि होगा आपके बच्चों के लिए, और चौथा उपाय होगा कि अगर आपके घर में कर्ज बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उस कर्ज से आपको कैसे मुक्ति मिलने वाली, ठीक है ना। इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और किसी भी मंगलवार को इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक पान का बीड़ा, है ना। मार्केट जाना और किसी भी पान वाले भैया से कहना, भैया हमको बजरंगबली को पान का बीड़ा समर्पित करना है, चढ़ाना है, आप हमको एक बीड़ा बना के दे दो। देखो जो पान का बीड़ा बजरंग बली को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता ना को समर्पित किया जाता है, वो अलग तरीके का बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पान का बीड़ा है उसमें कत्था चूना ये वो दुनिया भर की चीजें डाल दो और ले जाकर के समर्पित कर दो, नहीं, इसका आपको दोष लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी पान वाले भैया के पास जाना, उनसे कहना भैया हमको चढ़ाना है, आप हमको एक पान का बीड़ा दे दो, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, इस उपाय में नियम बहुत डिफरेंट है। क्या नियम है कि आप यह उपाय किसी और के लिए नहीं कर सकते। सबसे पहला नियम इस उपाय का यही है, अगर प्रॉब्लम आपको है तो यह उपाय आपको ही खुद को ही लिए करना है, किसी और के लिए आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक पान का बीड़ा बनाना, जो आपकी समस्या होगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, उस समस्या का ध्यान करते हुए बजरंग बली के चरणों में ले जाकर के समर्पित करिएगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप समर्पित कर रहे हो, समर्पित करने से पहले एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के पास में लगाना, ठीक है ना। पान का बीड़ा अपने कष्टों को निवारण के लिए बजरंग बली के पास में समर्पित करके कम से कम तीन पाठ हनुमान चालीसा का करना ही करना है। कितने पाठ करोगे? तीन पाठ। और ये सारे के सारे उपाय कब करने होंगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है ना। पाठ वगैरह आपने कर लिए तो जो दीपक आपने जलाया था, पाठ जब तीन पाठ कर लोगे तब तक ये दीपक ठंडा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो पान का बीड़ा बजरंग बली के पास में आपने समर्पित किया है उसे वहीं पे छोड़ करके आपको अपने घर पे आना है। ऐसा नहीं कि पान का बीड़ा उठा ले आओ प्रसाद के तौर पर खा लो, नहीं, उसे वहीं पर छोड़ देंगे और चुपचाप घर चले आएंगे। यकीन मानिए, जिस वजह से आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो पा रही हैं, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। अब कष्टों का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती, आप कुछ भी ऐसा करते हो फिर भी आपको उस काम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहते हो, तो आपको इस उपाय को करना है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा दूर्वा, है ना। कहोगे भैया मंगलवार का दिन है, इस दिन दूर्वा का क्या काम है? बहुत बड़ा काम है दूर्वा लेना। इस दूर्वा को हल्का सा सूख लेना, मतलब गीला वाला दूर्वा मत देना, हल्का सूखा दूर्वा लेना और उसको जला देना, ठीक है ना। जब जलाओगे तो उसकी क्या निकलेगी? राख निकलेगी। अरे राख निकलेगी कि नहीं निकलेगी? राख निकलेगी। अब राख जब निकलेगी तो इस राख को आपको क्या करना है, घी में मिक्स कर देना, ठीक है ना। और जब भी आप अपने घर में किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो तो आपको वही टीका लगा करके घर से बाहर जाना होगा जिससे आपको उस काम में सफलता 100% मिलेगी। अब मान लीजिए ये तो हो गया कि घर से काम के लिए बाहर निकल रहे हो, अब मान लीजिए कि आपके घर में पैसों को लेकर किल्लत हो रही है, धन संपदा घर में नहीं टिकती, तो उसी की एक बिंदी कहां पर लगाओगे? अपने घर की तिजोरी पे। हनुमान जी के छोटे भाई का नाम लेके सारे काम को करना है। जब दूर्वा जलाओगे, दूर्वा को जला करके उसकी राख में आपको थोड़ा सा घी मिला करके उसका पेस्ट बनाओगे, जब उसका टीका लगा करके घर से जाओगे तो भी गतिमान भगवान का नाम लोगे, अपने दुकान व्यापार वाले स्थान पे टीका लगा रहे हो तो भी गतिमान भगवान का नाम लोगे, और अपने घर की तिजोरी अलमारी पे अगर टीका लगा रहे हो तो भी किसका स्मरण करोगे? बजरंग बली के छोटे भाई यानी कि गतिमान का नाम लेकर के आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना।
देखिए, जो उपाय आपको बता रहा हूँ इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ में ध्यान से करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप बस ऊपर ऊपर से करो, फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इजी वे में है और बहुत ही ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। तो दो उपाय की तो बात हमने यहाँ पे कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा अपने घर के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बच्चे अगर घर के बाहर पढ़ते हैं और फिर भी वो परेशान रहते हैं, या फिर घर में रहते हैं बहुत चंचल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले आपको लेना होगा कौन सी चीजों को, सबसे पहले आप यही समझ लो, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा इस तरीके से रुद्राक्ष, है ना। घर में आप सभी के होगा रुद्राक्ष, कोई भी एक रुद्राक्ष आपके घर में हो उस रुद्राक्ष को ले सकते हो। अब मान लीजिए आपके घर में असली रुद्राक्ष नहीं है, तो असली रुद्राक्ष लेने के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा 9005643345, है ना। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है, मैं आपके घर तक जितने मुखी आप कहोगे उतने मुखी रुद्राक्ष आपके घर तक मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना। रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा, जो रुद्राक्ष होगा उस रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर डाल देंगे ना। जब रुद्राक्ष को कलश के अंदर डालोगे तो कम से कम 30 मिनट या फिर एक घंटे तक उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। एक घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख देना और इस रुद्राक्ष के जल को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बच्चा आपका चंचल है, जो बच्चा आपका परेशान रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा टेंशन देता है घर वालों को, उस बच्चे के हाथों से या फिर उस बच्चे की माँ या पिता अपने हाथों से उस बच्चे का नाम और ध्यान करते हुए आपको थोड़ा सा शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले तो चढ़ा देना, ठीक है ना। शहद चढ़ा करके अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से इस शहद का लेपन शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में रुद्राक्ष जल है वो शिव शंभु भोलेनाथ के ऊपर कुंद केशवर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम लोगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से जल को समर्पित करेंगे उसी चंदन के ऊपर और आपको देख उसी शहद के ऊपर, और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना, जितने भी कमरे हों वहाँ पे तो छींटोगे, साथ ही साथ अपने बच्चे के कमरे में भी इस जल का अगर छिड़काव आप कर देते हैं, जिस कारण से निगेटिव एनर्जी घर में भरी हुई है, फैली हुई है, और वो आपका कोई भी काम निरंतर वे में नहीं होता है, उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो तीन उपाय की हमने बात कर ली, एक बहुत ही इजी से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जब भी मंगलवार का दिन आता है और कर्ज मुक्ति का उपाय मैं आपको समझाता हूं, तो इस उपाय के बारे में आपको जरूर बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है और वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है ना, किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, कोई पैसा बाकी है उसका पैसा नहीं दे पा रहे हो, ना आप वापस कर पा रहे हो, तो क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से नारियल, ठीक है ना। नारियल लेने के बाद में आपको लेना होगा सिंदूर। इस उपाय के लिए हमें लाल चंदन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होगा, सिंदूर। और उसी सिंदूर से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण उस नारियल के ऊपर करना है। ध्यान रखिएगा, जो नारियल आपने लिया है वो जूट वाला नारियल होना चाहिए, उसके अंदर पानी भरा हुआ हो, है ना। फिर आप इस स्वास्तिक वाले नारियल को उठाना, आपके घर में जितने भी कमरे हों, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में घूम करके आपके घर के आसपास में जो भी बजरंग बली का मंदिर हो, इस नारियल को उठा करके बजरंग बली के पास में लेके चले जाना, रख देना, आपका जो कर्ज की समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी। कहोगे भैया इस उपाय को हमें कब करना है, इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है, और लगातार तीन मंगलवार तीन नारियल के साथ में इस उपाय को करके देख लीजिए, कर्ज की जो समस्याएं होंगी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय मैंने आप सभी को समझाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये उपाय जरूर समझ में आए होंगे। कुछ पूछना रहा करें, अगर नहीं समझ में आया करें ना, तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।